नमस्कार, जोहार, आदाब। क्लीन न्यूज झारखंड में आपका स्वागत है। आप जानेंगे खबर पूरे संथाल परगना से। खबर के लिए रुख करते हैं सबसे पहले गोड्डा की ओर। गोड्डा में 15 लाख की आबादी में मात्र एक दमकल गाड़ी। गोड्डा जिला में लगभग 15 लाख आबादी को आग से सुरक्षा देने वाला अग्निशमन विभाग की हालत खराब है। आलम यह है कि 3 में एक वाहन खराब है, जबकि दूसरी वाहन जो अखंड बिहार से समय से विभाग के जिम्मे है, उस वाहन की स्थिति भी दयनीय है। कल खराब हो जाए इसकी कोई गारंटी नहीं, जबकि एक वाहन की बेहतर स्थिति में है जो लगभग 5 साल पुरानी है, जबकि बिहार के जमाने की एक वाहन 20 वर्ष पुरानी है, जो दूसरी वाहन 15 से अधिक पुरानी हो चुकी है। इसमें लगातार खराबी आ रही है। तंबाकू गुटखा की बिक्री को अब लाइसेंस जरूरी। जिले भर में अब तंबाकू गुटखा आदि की बिक्री के लिए लाइसेंस की अनिवार्यता कर दी गई है। राज्य सरकार के निर्देश के आलोक में यह कोटापा एक्ट की बंदिशों को लागू करने के लिए जिला प्रशासन की ओर से अधिसूचना जारी कर दी गई है। बुधवार को नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी राजीव मिश्रा ने जिला प्रशासन की गाइडलाइन की घोषणा की। कहा कि कोटपा कानून 2003 के तहत अब तंबाकू गुटखा आदि की बिक्री बगैर लाइसेंस के दंडनीय अपराध की श्रेणी में आएगी। इसके लिए दुकानदारों पर सख्त कानूनी कार्रवाई का प्रावधान किया गया है। गोड्डा में बड़ा हादसा। निजी अस्पताल के आईसीयू में लगी आग, मरीजों को दूसरे अस्पताल में किया गया शिफ्ट। गोड्डा नगर थाना क्षेत्र के नहर चौक के पास स्थित सनराइज अस्पताल के आईसीयू वार्ड में आज सुबह अचानक आग लग गई। इस घटना के बाद अस्पताल में अफरा तफरी मच गई। हालांकि फौरन मरीजों को दूसरे अस्पतालों में एम्बुलेंस के माध्यम से शिफ्ट करा दिया गया। 2 मंजिला इस अस्पताल को खाली करा दिया गया। घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। अस्पताल में कई बच्चे भी भर्ती थे। अगलगी की घटना में बच्चों को सुरक्षित बाहर निकालकर दूसरे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां फिलहाल उनका इलाज जारी है। अस्पताल में आग कैसे लगी इसकी फिलहाल जानकारी नहीं मिल पाई है, पर आशंका जाहिर की जा रही है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से यह हादसा हुआ होगा। गोड्डा ब्लॉक मोड़ में स्थित मंजू मौसमात की चाय दुकान में अज्ञात कारणों से लगी आग से हजारों का सामान जलकर खाक। खबर अब दुमका से। पति को बंधक बनाकर 17 लोगों ने किया 5 बच्चों की मां के साथ गैंगरेप। झारखंड के दुमका से एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है, जहां पर मंगलवार रात एक 5 बच्चे की मां के साथ 17 लोगों ने गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया। महिला अपने पति के साथ बाजार से घर आ रही थी, तभी बदमाशों ने महिला के पति को बंधक बनाया, फिर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। पीड़िता के बयान के आधार पर बुधवार को पुलिस ने मुख्य आरोपी राम मोहली समेत 17 लोगों पर एक FIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। CBI की बड़ी कार्रवाई। आय से अधिक संपत्ति मामले में पूर्व मंत्री हरि नारायण और पत्नी दुमका से गिरफ्तार। कोर्ट ने सुनवाई थी 5 साल की सजा। झारखंड के पूर्व मंत्री हरि नारायण राय और उनकी पत्नी सुशीला देवी को आय से अधिक संपत्ति मामले में CBI ने बुधवार को दुमका से गिरफ्तार कर लिया है। दुमका के मसलिया प्रखंड स्थित तरनी गांव में हरि नारायण राय का ससुराल है। वे पत्नी के साथ वहीं छिपे थे। CBI टीम को ससुराल में छिपे होने का भनक लगी, इसके बाद उन्हें दबोच लिया गया। गिरफ्तारी के बाद CBI टीम उन्हें अपने साथ रांची ले गई। नशे में चली गोली, लूट की रची थी झूठी कहानी। पुलिस की जांच से मंगलवार की शाम मुफस्सिल थाना क्षेत्र के मुरा बहाल गांव के पास गोली मारने के बाद 5,000 की कथित लूट की सच्चाई सामने ला दी गई है। घायल देवघर के मोइल अनी को किसी ने गोली नहीं मारी थी, उसके दोस्त विशाल गोस्वामी के पिस्टल से चली गोली उसे लगी। पुलिस से बचने के लिए विशाल ने लूट की झूठी कहानी तैयार की। बुधवार को पुलिस ने घटना स्थल के समीप झाड़ियों में छुपा कर रखा गया पिस्टल व एक खोखा बरामद कर लिया है। खबर देवघर से। देवघर के पालोजोरी में बस दुर्घटना में एक की मौत। देवघर जिले के पालोजोरी में आज सुबह बस दुर्घटना हो गई। घटना पालोजोरी थाना के खागा ओपी इलाके के असहना ब्रह्मशोली के समीप की है। दुर्घटना में एक महिला की मौत मौके पर ही हो गई। 10 से अधिक यात्री घायल हुए हैं। स्थानीय लोगों के अनुसार शंकर पार्वती ट्रेवल नामक बस टाटा से लौट रही थी। माना जा रहा है कि घने कोहरे के कारण दुर्घटना हुई। इस दुर्घटना में मारी गई महिला गोड्डा की बताई जा रही है।
ठंड के आगोश में बाबा नगरी, तापमान गिरने से बड़ी कनकनी। महादेव की नगरी देवघर ठंड के आगोश में है। दो दिनों से घने कोहरे से जनजीवन प्रभावित हो रहा है। बुधवार को आसमान में बादल छाए रहे, गुरुवार के आसमान में बादल छाए हुए हैं। अल सुबह घने कोहरे के कारण आसपास की चीजें ठीक से दिखाई नहीं दे रही है। देवघर के मधुपुर विधानसभा उपचुनाव की सरगर्मी तेजी। दुमका और बेरमो का उपचुनाव हो चुका है, अब मधुपुर विधानसभा का उपचुनाव होना है। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री शाहझामुमो विधायक हाजी हुसैन अंसारी के निधन के बाद यह सीट खाली हो गया है। 9 दिसंबर से 1500 ईवीएम के एफएलसी फर्स्ट लेवल चेकिंग का काम शुरू कर लिया गया है। चुनाव के लिए प्रशासनिक तैयारी की यह पहली कड़ी है। ईवीएम की चेकिंग की कार्य 10 दिन चलेगा। यह प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद आयोग को रिपोर्ट भेज दी जाएगी। आयोग के निर्देश पर आगे की कार्रवाई शुरू होगी। खबर जामताड़ा से। जामताड़ा व कुंडही थाना क्षेत्र में पुलिस ने चलाया वाहन जांच अभियान। जेबीसी उच्च विद्यालय जामताड़ा के समक्ष पुलिस ने बुधवार को दुपहिया वाहन जांच अभियान चलाया। इस दौरान वाहनों की जांच कर आवश्यक हिदायत दिया गया। प्रखंड में बुधवार को मुर्गावनी राजनगर मुख्य सड़क पर भागवत आजाद कॉलेज के सामने एएसआई रामकिशोर पाल के नेतृत्व में एंटी क्राइम के तहत दोपहिया चार पहिया वाहनों का सघन जांच किया गया। सिंदरी में कात कारखाना चालू होने से पहले ही शुरू हो गई नौकरी के नाम पर ठगी। जामताड़ा के 21 युवक बने शिकार। करीब 6000 करोड़ की लागत से सिंदरी में खाद कारखाना का निर्माण हो रहा है। अभी इसके चालू होने में 1 साल का समय है, लेकिन कारखाना में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह सक्रिय हो गए हैं। धनबाद के गिरोह ने जामताड़ा जिले के नारायणपुर थाना क्षेत्र के 21 युवकों को ठगी का शिकार बनाया है। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। पिकअप वैन की टक्कर से बाइक सवार दो युवक घायल, एक की हालत गंभीर रेफर। कुंडहित में बाइक को अज्ञात वाहन ने धक्का मारा, दो घायल साबुन फैक्ट्री में काम कर लौट रहे थे। जामताड़ा थाना क्षेत्र के नावाडी गांव के पास सड़क दुर्घटना में दो युवक घायल हो गए। घायलों में एक युवक की स्थिति नाजुक है। दुर्घटना जामताड़ा गोविंदपुर NH 419 पर पिकअप वैन और बाइक की सीधी टक्कर में हुई। दुर्घटना के बाद पिकअप वैन मौके से फरार हो गया। रागिरे ने उसकी सूचना 108 एम्बुलेंस को दी। 108 एम्बुलेंस के सहयोग से घायल दोनों युवकों को जामताड़ा सदर अस्पताल ले जाया गया। खबर पाकुड़ से। पीजी की पढ़ाई शुरू नहीं होने पर होगा अनशन। कुमार कालिदास मेमोरियल कॉलेज में बुधवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के धरना प्रदर्शन में नगर मंत्री सह महाविद्यालय अध्यक्ष बम्भोला उपाध्याय ने कहा कि अभी आंदोलन की शुरुआत हुई है। 7 दिनों के अंदर पीजी पढ़ाई से संबंधित कोई संकेत नहीं मिलते हैं तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कार्यकर्ता आमरण अनशन पर बैठेंगे। कार्यकर्ताओं ने प्राचार्य डॉक्टर सुधीर हेम्ब्रम को ज्ञापन सौंप कर इस दिशा में त्वरित पहल करने का आग्रह किया है। खबर साहेबगंज से। 18 साल बाद आई सील शराब दुकान की याद। जिला प्रशासन को 18 साल बाद बढ़रवा में स्थित एक शराब दुकान की याद आई। यह दुकान काली भगत नामक व्यक्ति के भवन में बिमला देवी के नाम से थी। 18 साल पूर्व 16 मार्च 2002 को प्रशासनिक अधिकारियों ने रात 8:40 पर दुकान का निरीक्षण किया था। दुकान का मौजूद व्यक्ति लेखा पंजी बीजक आदि उपलब्ध नहीं करा पाया था। इसके बाद दुकान को सील कर दी गई थी। दुकानदार बिमला देवी की भी बाद में मौत हो गई। इस वजह से मामला दबा हुआ था। पिछले दिनों मकान मालिक काली भगत ने ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम को आवेदन देकर दुकान खाली कराने की मांग की थी। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।